बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया से बड़ी विभत्स घटना सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भभुआ के तरफ से धान लदा ट्रक आ रहा था कि तभी चांदनी चौक के पास अनियंत्रित हो बाइक, ई रिक्शा और टेम्पो को रौंद डाला, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे का अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें करीब 6 लोग घायल हैं। घटना के बाद अफरा तफरी की माहौल उत्पन्न हो गई। हालांकि घटना के बाद लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे मोहनिया थानाध्यक्ष ललन कुमार ने दलबल के साथ स्थिति को संभाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां चांदनी चौक पर ट्रैफिक की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण अक्सर यहां पर दुर्घटना होते रहती है। मृतकों में एक भभुआ थाना क्षेत्र के दतियाव निवासी ठाकुर दयाल जायसवाल बताया जाता है, वही दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायलों के नाम इस प्रकार है: सोनू कुमार 16 वर्ष, पिता जितेंद्र सिंह शिवपुर, सुमन प्रवीण 12 वर्ष, पिता इरफान मोहनिया, रोजा 14 वर्ष मोहनिया, रमीज राजा अंसारी, पिता गयासुद्दीन नुआव, रेहान फारूकी 4 वर्ष, पिता रिजवान फारूकी मोहनिया, साहिबा परवीन 18 वर्ष, पिता भोला इरफान मोहनिया। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु वाराणसी रेफर कर दिया गया।